ठंड के साथ कोहरे की आफत बढ़ती जा रही है। चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और फतेहाबाद की चार तस्वीरें आपके सामने हैं। राजधानी में घना कोहरा छाए रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई है। वहीं ग्रेटर नोएडा में भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। पूरे ग्रेटर नोएडा के कोहरे ने अपने आगोश में ले रखा है। गाजियाबाद में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, वहीं फतेहाबाद में भी घना कोहरा छाया रहा, जिस वजह से वाहनों की रफ्तार थमी रही। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। आज दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई 372 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 384 दर्ज किया गया है। लोधी रोड में 330, एयरपोर्ट T3 में एक्यूआई 344, पूसा में 388, नोएडा में एक्यूआई 328, ग्रेटर नोएडा में 332, गाजियाबाद में एक्यूआई का स्तर 302 दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में एक्यूआई 285, फरीदाबाद में 299। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास रहेगा। घने कोहरे को लेकर आज और आने वाले कल मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं। अक्षरधाम, आनंद विहार, सराय कालेखां, एम्स की चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली के इन अलग अलग इलाकों की तस्वीरों से ही आप देख सकते हैं कि दिल्ली में इस वक्त किस कदर कोहरे ने अपना पैर पसारा हुआ है और पूरी दिल्ली को अपने आगोश में लिया हुआ है। कितनी परेशानी हो रही रिक्शा चलाने में? बहुत परेशानी हो रही है, हाथ भी ठहर रहे हैं। ठंड है रही है। कोहरा कितना है? कोहरा बहुत देर है, दिख नहीं रहा बराबर का भी है, बराबर का भी नहीं दिख रहा। हाँ, बराबर को ना दिख रहा। पैदल चलने में दिक्कत हो रही है क्या? हम बहुत ठंड हो रही है, बहुत कोहरा हो रहा है। कितनी तो हो रही है कोहरे की? बहुत परेशानी हो रही है, तो रात की ड्यूटी कर रहे हैं। एक तो बहुत परेशानी हो रही है, कोहरा बहुत है, बहुत कोहरा है। बराबर का भी नहीं दिख रहा? हाँ, कुछ नहीं दिख रहा बराबर का। ठंड सर अभी बहुत ही ज्यादा है, एक्सेस है, मैंने जो एक्स्ट्रा बोलते हैं ठंड, वो एक्स्ट्रा आ रहा है और हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। अब नाइट में भी हम लोग खड़े रहते हैं, इधर आते हैं उधर जाते हैं, तो सर ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा, जो जितना शरीर को आप लोग ढक के रखो उतना आप लोग के लिए बेनिफिट है। अब कहीं पर हमें सुविधा होती है तो हम लोग अक्का भी सहारा लेते हैं और कहीं कई जगह पर हमें वो भी नसीब नहीं होता है सर। ठंड की दिक्कत हो रही है, फॉग तो है ही, फॉग से तो आना जाना तो होता ही है, बट ठंड कुछ ज़्यादा ही लग जाती है और यहाँ से हमें कुछ दूर पैदल चलना होता है तो उसमें थोड़ी हमें दिक्कत होती रहती है। ठंड में थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा रहता है, प्लस विजिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। एक्सीडेंटल केसेस के लिए है कि हमारी कोई प्रॉपर साइकिलिंग लेन नहीं है, प्लस विजिबिलिटी के कारण एक्सीडेंट्स होते हैं बहुत, इसलिए मैं थोड़ा सा अभी सर्दियों में डरता हूँ ताकि थोड़ा सा उजाला हो जाए, उसी के बाद मैं निकलता हूँ। प्रॉपर क्लोथिंग लेते हैं, बाकी साइकिलिंग से तो इतना ठंड नहीं लगता है क्योंकि आपकी बॉडी पूरी हीट में होती है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से ठंड और कोहरे की डबल मार लोग जो है वो झेलने को परेशान हो चुके हैं। अगर हम आज की बात करते हैं तो दिल्ली में आज का जो कलेक्टिव AQI है वो 372 के आसपास दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। इससे पहले हमने देखा था बारिश की संभावना के बीच में प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम होता हुआ नजर आया था, लेकिन हम देख रहे हैं एक बार फिर से दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, हम देख रहे हैं कोहरे जो है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिल्ली के इंडिया गेट के पास की इस तस्वीर है और आप देखिए किस तरीके से प्रदूषण के बाद से विजिबिलिटी पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। आने जाने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो फ्लैश लाइट और टेल लाइट का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। गाड़ियों की रफ्तार पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हर जगह पर मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये ऑरेंज अलर्ट आज और कल के लिए जारी किया गया है और साफ तौर पर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी घर से बाहर निकल रहे हैं कोहरे का ध्यान जरूर रखें। साथ ही साथ अगर हम तापमान की बात करते हैं तो मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का जो अधिकतम तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं जो न्यूनतम तापमान है वो 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। यानी कि ठंड भी अब दिल्ली में बढ़ने लगी है। लोगों से यही सुझाव है कि घर से बाहर निकलते वक्त ठंड का और कोहरे का जरूर ध्यान रखें और गाड़ी सावधानी से चलाएं। अनुष्का गर्ग,
जी मीडिया दिल्ली।